ये आंख में लगाने के बाद आपको कार्ड नजर आएगा कि कैसा कार्ड है। आपको यहां बता दूं कि कार्ड भी आपको स्कैनिंग वाले ही लेने पड़ेंगे या प्रिंटिंग वाले लेने पड़ेंगे, इसमें मार्केट के कार्ड नहीं चलते। आपको मैं वो इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि कार्ड से कैसा नजर आता है। ये है 4000 के, ये लेंस है 8000 के। आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये परफेक्ट आई कंपनी के हैं। ये फ्रांस से आते हैं, ये फ्रांस से इंपोर्ट होकर इंडिया आते हैं। ये खास तरह के लेंस आप देख रहे होंगे, इसको लेंस को ये सिंथेटिक में अपग्रेड वैरायटी है। ओके, ये खास तरह के लेंस है, ये खास तरह के लेंस ये आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया एक लेंस है। इसकी कॉस्ट 8000 रुपए है। अब मैं आपको इसका अपग्रेड मॉडल में ले चलता हूं। उसके बाद हमारे पास आते हैं 12000 रुपए के लेंस। ये इस लेंस में ये खास क्या है, ये सेमी सिंथेटिक लेंस है। आप देखेंगे तो ये सेमी सिंथेटिक लेंस है, इसकी कीमत 12000 रुपए है। इसकी बहुत अच्छी खासियत क्या है, ये आप में आप 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लगा सकते हैं। आप एक बात और याद रखिएगा, सस्ते लेंस लेने से आपकी आंखों की वेंस खराब हो सकती हैं, क्योंकि इन पे कलर लगा होता है, केमिकल लगा होता है। तो जब भी आप लेंस लेंगे, कोशिश ये करेंगे आप बेहतरीन लेंस की तरफ ही जाएं और बेहतरीन लेंस ही लें, क्योंकि आपकी आंखें इन पैसों से बहुत ज्यादा कीमती हैं। पैसे आप फिर कमा सकते हैं, आंखें दोबारा नहीं कमा सकते। उसके आगे आप देखेंगे ये 12000 के लेंस के बाद ये 15000 के लेंस है। ये भी खास तरह के कोटेड लेंस, राइट। इसको आप देखेंगे, इस सेमी नेचुरल लेंस है, ये सेमी नेचुरल लेंस है, इसकी कीमत 15000 रुपए है। अब इससे कुछ बेहतरीन लेंस दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। ये 18000 रुपए के लेंस है, ये नेचुरल लेंस है, ये 18000 रुपए के लेंस है, ये नेचुरल लेंस है। ये आंखों पे आप 20 घंटे 25 घंटे लगा सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन लेंस है, अपने आप में बहुत खूबसूरत लेंस है। इसको आप लगाएंगे तो आपको प्लेइंग कार्ड बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, 5, 7, 10, 12 फीट तक बहुत बढ़िया नजर आएगा। तो ये जो लेंस की कॉस्ट है 18000 रुपए है। अब मैं आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन लेंस दिखाने जा रहा हूं, जो मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत पसंद आएगी ये लेंस, मुझे बहुत पसंद है तो आपको भी बहुत पसंद आएंगे। ये है परफेक्ट आई कंपनी के नाइट विजन लेंस। नाइट विजन से आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे नाइट विजन लिखा हुआ है, ये नाइट विजन ध्यान से आप देखेंगे, यहां नाइट विजन लिखा हुआ है। ओके, ये लिखा है नाइट विजन, ये प्योर नेचुरल लेंस है। इसको लगाने के बाद बाकी जितने आप लेंस लगाएंगे उनमें आपको सब में लाल लाल नजर आएगा। और इन लेंसों की खासियत क्या है, जितने आप लेंस लगाएंगे ये आपको व्हाइट नजर आएगा। जो भी आप कार्ड लेना चाहेंगे उसमें आपको व्हाइट नजर आएगा, जो लाल नजर नहीं आएगा। आप बाकी कोई सा लेंस अपनी आंख में लगाएंगे उससे आपको रूम प्लेइंग कार्ड लोग सब हल्के हल्के लाल नजर आएंगे। इस लेंस की खासियत क्या है, ये सबसे पहले तो नाइट में चलेगा, लो लाइट में चलेगा, ट्यूबलाइट की रोशनी में चलेगा, मोमबत्ती की रोशनी में चलेगा। सेकेंडरी क्या है, ये आंख को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, क्योंकि प्योर नेचुरल मटेरियल, खास तरह का इसमें मटेरियल लगाया गया जो आंखों को बहुत सॉफ्ट रखता है। थर्ड इसमें क्या है कि आपको प्योर व्हाइट नजर आएगा, आपकी आंखों पर कोई टेंशन नहीं। फोर्थ क्या, आप कितनी मर्जी देर लगा सकते हैं। ये अपने किस्म का एक बेहतरीन लेंस है, इससे बढ़िया लेंस नहीं आता है। अब मैं आपको दिखाता हूं प्लेइंग कार्ड में कैसे नजर आएगा और किस प्रकार से ये दिखता है लेंस लगाने के बाद। अब आप आगे देखते रहिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि लेंस लगाने के बाद कार्ड और पत्ता कैसा नजर आता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि प्लेइंग कार्ड से लेंस कैसे नजर आते हैं। अब मैंने कैमरे के ऊपर एक लेंस लगा दिया है, आप देखेंगे ये वाला एक, इसमें से एक लेंस मैंने उसमें लगा दिया है और एक लेंस इसमें है। ओके, अब आपको मैं दिखाता हूं कि लेंस के बाद आंखों में लगना कैमरा कैसा, कैमरे से कैसा नजर आता है प्लेइंग कार्ड। ये देखिए, ये प्लेइंग कार्ड है, आप ध्यान से देखेंगे ये नजर आना स्टार्ट हो गया है। ओके, आप किसी भी कार्ड को दूर से पास से देख सकते हैं। ये वाले जो कार्ड आते हैं इस तरह के, ये कार्ड आते हैं फ्लैश की गेम के लिए काम, आप ध्यान से देखिएगा ये फ्लैश की गेम के लिए काम आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं मांग पत्ते के लिए कैसे नजर आएंगे। ये है मांग पत्ते के लिए, आप ध्यान से देखिएगा इसके कॉर्नर पे लिखा हुआ है ये मांग पत्ते काम आएंगे। अब जैसे आपने ये कार्ड एक कोई आपने कोई भी गड्डी फेंट ली, आपने कोई गड्डी फेंट ली तो ये ऊपर आप देखें ये क्यों बना हुआ, बेगम है ये। ओके, ऐसे आप कोई सा भी कार्ड नीचे निकाल के देख सकते हैं। अब आप इसको यहाँ से ले लीजिए, आप कोई सा कार्ड इसमें निकालिए, अब ये देखिए ये अट्ठी बनी हुई है। ओके, ये आते हैं मांग पत्ते के लिए काम। अब ये पंजी है इसके ऊपर, आप ध्यान से देखिए, अब मैं गड्डी को काट देता हूँ। ये मैं नीचे ले गया, ये जोकर है, जोकर का निशान इसके ऊपर आप देखेंगे। ओके, अब मैं गड्डी को काट के नीचे ले गया, यहाँ पे ये दुक्की है, आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल दुक्की नजर आएगी। इसी प्रकार ये आते हैं लेंस वाले कार्ड अंदर बाहर के लिए काम, ये अट्ठी है।
ये फिर मैंने यहाँ से हटा दिया, ये फिर अट्ठी आ गई और मैंने फिर हटा दिया, ये आपको गुलाम आ गया, ये जे बना हुआ, यहाँ से आप देखेंगे जे है, ये आते हैं अंदर भाग के लिए काम। तो कैसा नज़र आएगा ये आपको मैंने यहाँ दिखा दिया, अब आप सिंगल सिंगल पत्ता देख लीजिए, आप खुद ही आइडेंटिफाइड कर पाएंगे। जो ये दुखी है, ये गुलाम है, ये आप बेगम है, आप देखेंगे क्यों बना हुआ है, और यहाँ पे ये फिर बेगम है, ये देख लीजिए। ईंट पान की कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि ईंट और पान को कैसे हम चिन्हित और देख सकते हैं। ओके सर, ये आपको दिखाया, ये फ्लैश की गेम के लिए किस प्रकार से कैसे नज़र आएंगे, बेहतरीन किस्म की प्रिंटिंग, बेहतरीन किस्म की डिवाइसेस और बेहतरीन किस्म की उम्दा टेक्नोलॉजी को आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपने यहाँ तक देखा, अब मैं